हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टॉप 10 यूनिवर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंडियन टेंपल्स के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, भारत जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है उतना ही खूबसूरत भी है। स्पेशली जब बात आती है टेंपल्स की, यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट टेंपल्स दिखेंगे और हर टेंपल से आपको एक ऐसे वेव की फीलिंग होगी जो आपके मन को शांत और आपको दुनिया का सबसे खुश इंसान बना देगी। यहाँ के पहाड़ियों और कश्मीर की वादियों से लेके आपको कन्याकुमारी तक टेंपल्स के कई वेरिएंट्स दिखेंगे। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के टॉप 10 टेंपल्स के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इंडिया के आर्किटेक्चर और उसकी ब्यूटी देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आज की जो इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, वो तो कुछ भी नहीं इन सालों पुरानी और भव्य टेम्पल्स के सामने। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। बद्रीनाथ हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में यह मंदिर स्थापित है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह चार धामों में से एक है जो भारत के सबसे पवित्र मंदिर हैं। चार धाम चार दिशाओं को दर्शाते हैं, जिसमें बद्रीनाथ उत्तरी दिशा को दर्शाता है। यह मंदिर समुद्र सतह से 10,248 फीट यानी कि 3,133 मीटर दूर है। यहाँ गर्मियों के महीने में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में ना ही ज़्यादा मौसम ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है। बद्रीनाथ जाने से पहले आप इस बात पर जरूर सोचें कि आपको किस मौसम में वहां जाना है। रामेश्वरम, रामेश्वरम चार धामों का दूसरा मंदिर है। रामेश्वरम, जिसे रामनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु के एक क्षेत्र में एक द्वीप पर स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। यह भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह भारत के दक्षिण क्षेत्रों और आश्चर्यजनक सुंदर श्रीलंका को भी अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह है। जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। यह चारों धामों का तीसरा मंदिर है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ पुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे। यह मंदिर पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। द्वारिकाधीश, अरब सागर के किनारे स्थित द्वारिका शहर में यह मंदिर स्थित है। यह चारों धामों में से चौथा मंदिर है। यह पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो माना जाता है कि यह दर्शाता है कि कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। श्री विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष मंदिर ओडिशा के कंधमाल जिले के मुख्यालय फूलबागी से 60 किलोमीटर दूर चाकपाड़ा में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के समर्पित है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ का शिवलिंग है जो कि दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसी प्रकार यहाँ के पेड़ों की प्रवृत्ति भी दक्षिण की ओर झुकने की है। लिंगराज, लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है और यह सबसे पुराने मंदिर में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराज का अर्थ लिंगन के राजा होता है, जो भगवान शिव को कहा गया है। ब्रह्मा मंदिर, यह मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में पवित्र स्थल पुष्कर में स्थित है। यह मंदिर जगत के पिता ब्रह्मा जी को समर्पित है। हमारे भारत देश में हर एक देवी देवता के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरे भारत में केवल एक ही मंदिर है। ब्रह्मा जी ने पुष्कर के कार्तिक पूर्णिमा के दिन यज्ञ किया था, इसी वजह से यहां हर साल अक्टूबर नवंबर के बीच पुष्कर मेला भी लगता है। केदारनाथ, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहां के जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोन चबूतरे पर बना हुआ है और यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के वाराणसी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए अधिकतर लोग यहां काशी विश्वनाथ अपने जीवन के अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अमरनाथ गुफा मंदिर, अमरनाथ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अमरनाथ मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। अमरनाथ मंदिर को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का बनना होता है। प्राकृतिक बर्फ से यह विश्व शिवलिंग बना होने के कारण इसे स्वयंभू सीमानी शिवलिंग भी कहते हैं। यहाँ भीम का मतलब है बर्फ।